वेलकम डियर स्टूडेंट, फ्रीज ऑफ अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करते हैं आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की, क्योंकि आप लोगों ने अपना एडमिशन अब ले लिया होगा और किसी ने अभी नहीं लिया है तो उसका सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, अदरवाइज़ DI को छोड़ के जितने भी आपके कॉलेज हैं, जिसने आगरा कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज या RVS कॉलेज में अप्लाई किया है या BSA कॉलेज में अप्लाई किया, उस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आप चेक कर लेना, अगर वहाँ पे आ गई होगी तो आप एडमिशन लेने के बाद अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो आप upscholarship.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है यहाँ पे वो आपकी 25/10/2021 यानी कि 25 अक्टूबर है, और आपको कॉलेज में आपकी हार्ड कॉपी जो होती है वो सबमिट करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट, आपको जो करेक्शन की डेट है वो आपकी 16 से 26 नवंबर तक है, आप उसको करेक्शन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके सर आपको बता देंगे, और वैसे यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लें आपके पास वो हैं या नहीं। लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, फीस रिसिप्ट नंबर, एनुअल नॉन रिफंडेबल फीस अमाउंट, और आपका एनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फोर रिन्यूअल कैंडिडेट्स, जो मतलब जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको ओनली रिन्यूअल करना है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स जो दयालबाग में एडमिशन लिए हुए हैं न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है कि उनको उनके कॉलेज से गूगल फॉर्मेट का फॉर्म मिलेगा, उसका जो मेल होगा वो उनके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो आपको बेसिकली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूपी स्कॉलरशिप पे, उस रजिस्ट्रेशन को उस गूगल फॉर्म में सबमिट करना है, और फिर आपको जब वो मेल आएगा तो आपको समझ आ जाएगा ऑलरेडी, और उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, जो रिक्वायर होगी उनकी, वो आपको अपलोड करने होंगे और वो कॉलेज में सबमिट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो आपका ये फॉर्म होगा स्कॉलरशिप का, इसको आप पेंट करने के बाद अगर आपके कॉलेज वाले अलाउ करते हैं आपको कॉलेज में सबमिट करने के लिए तो आप सबमिट करें, अन्यथा आप गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन ही इसको दे सकते हो। जहाँ तक है वैसे आपको ऑफलाइन भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट भी ऐसा ही हुआ था। तो ये स्कॉलरशिप पोर्टल आप sarkarresult.com पे जाके इसको देख सकते हो, इस स्कॉलरशिप पोर्टल को, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और ये कंडीशन सभी कॉलेजों के लिए है, जितने भी यूपी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं आपके उत्तर प्रदेश के, सबके लिए सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट है, और जिसका इनकम सर्टिफिकेट मतलब 3 लाख से ऊपर नहीं है वो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट समझदार हैं, सबको पता होगा कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो ये आपकी स्कॉलरशिप पर रिलेटिव वीडियो थी, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।